आप सभी को मेरे राम राम। शीतल विलाग भद्रकाशी में आप सबका स्वागत है। तो आज लग रहा है हमें अप्रैल आया महीना, क्योंकि बैसाखी भी आ रही है, तो आज थोड़ा मौसम अच्छा है। गर्म कुर्ता तो हमने गर्म ही लगाया मेले, लेकिन फिर भी धूप है, धूप में बैठा नहीं जा रहा, गर्मियाँ जैसी लग रही है हमें यहाँ पे। तो आज की मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आई होप आप सब ठीक भी होंगे। तो मैं आज अपने व्लॉग की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं रोज़ के व्लॉग बना सकूं, डेली के। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले व्लॉग में हम जब फूल लगा रहे थे, देखो कितने अच्छे फूले हुए हैं। अब गर्मी आ रही है ना, अब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा सारा। ये देखो धूप है, धूप है, पता नहीं दिख भी रहा कि नहीं। ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं, इतना प्यारा फूल है ये। ये देखो ये फूल नहीं होगा, ये सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही रह जाएगा। तो अभी जा रहे हम मंदिर, रुद्र अभिषेक करना था हमने। तो इसके पापा गए, सन्ना के पापा गए सामान लाने। वो सामान लाएंगे कुछ, थोड़ा तो हमें इधर ही मिल गया लोकली, तो एक नारियल नहीं मिला, वो लाने गए। तो अभी हम रुद्र अभिषेक करवाना है, तो चिनिया से करवाएंगे। ज्यादा से उठा, फिर ऐसे हल्के ऐसे कर। मंदिर में हमने रुद्र अभिषेक करवाया, उसके बाद घर आए। घर आके हमने लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट किया। तो लंच इसलिए बोल रही हूँ कि देर हो गई थी, तो ब्रेकफास्ट की नहीं थी, खाली पेट पूजा करनी थी, तो दिन का लंच कर लिया। अब सना बोल रही है कि गाड़ी में घूमने चक्कर लगाने जाते हैं। सना गाड़ी में बैठ गई है, क्योंकि सन्ना को 2 दिन से फीवर है ना, तो कहीं ऐसे रुकेंगे तो नहीं गाड़ी में। आप देखते हैं कहाँ तक चक्कर लगाते हैं। तो अब देखते हैं आगे जाके। तो गाड़ी में बैठे अम्मू चिन्ना, अम्मू और सन्ना चले, चिन्ना नहीं जा रही। क्या कहा? ये हम जा रहे हैं, ये भद्रवा बसोली रोड है, इस साइड से जा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ से बड़ी अच्छी अच्छी नज़ारे मिलते हैं देखने को। तो हम यहाँ से इस रोड से जा रहे हैं। ये है गुवाड़ी, हमारा गुवाड़ी, इस गांव का नाम है गुवाड़ी। ये देखो आशापति यहाँ से कैसे दिखता है, इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा। अब ग्रीन ग्रीन हो गया सब, और इतना शांत माहौल है ना, यहाँ पे आके एक सुकून मिलता है। एक ये देखो कैसा है, ये हमारा सब हॉस्पिटल भद्रवा। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारे घर के बिल्कुल 10 मिनट के रास्ते पे है। ये देखो यहाँ पे आज हम एक नई रोड पे चले हैं, ये है मठोला रोड, जिसपे हम पहली बार आ रहे हैं, खुद हम पहली बार चले। हमने पूछा, 2 बच्चे थे इधर, कि ये मोटर रोड चली हुई है, हम देखते हैं ये रोड कैसी बनी हुई है और इस पे कैसे कैसे नज़ारे देखने को है आज, क्योंकि हम उतरेंगे नहीं, खाली लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो
ये देखिए अभी तक तो अच्छा चला हुआ है, अब आगे देखते कैसे। हम वापस मुड़ गए यहाँ से क्योंकि आगे रास्ता भी नहीं था, व्यू भी कोई खास दिख नहीं रहा था। हमने सोचा पता नहीं आगे कुछ है कि नहीं, इसीलिए हम अब दूसरी साइड ट्राई करेंगे, अब दूसरा कोई रास्ता दिखेंगे वहाँ से चलेंगे। यहाँ पे हमें कुछ दिखा ही नहीं है, दोनों तरफ से बंद था, खाली रोड थी। तो अब देखते हैं, अब टीलीगढ़ की तरफ जाएंगे। पहले सना के पापा बोलते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, अब बोलते मैं पहले कुछ खा ले, तो अब हम भी पीछे पीछे जाते। सना को है फीवर और सना बोल रही सना क्या खाना है, स्कूल में छुट्टी मारी और इधर आके सना ने खाना डोसा, अम्मू खाएगा छोले भटूरे। हम आए थे लॉन्ग ड्राइव पे, यहाँ पे आके ब्रश पहले कुछ खा ही लेते उसके बाद चलते। गौर से देखिए इस लड़की को, कल तक स्कूल नहीं जा रही थी, फीवर था, और आज देखिए कैसे कैसे डोसा खा रही है। तेरे मैम ने देखना चाहिए, स्कूल नहीं आ रही थी और सना की प्लेट देखो जरा, थोड़ी सी शर्म है कि नहीं है। ये देखो सना ने मंगाया अपने लिए डोसा और अमू वेट कर रहा है, अभी अमू इसको गुस्सा कर रहा है। आ गई सना के पापा की भी चना भटोरा और अमू अभी वेट कर रहा है, अमू को नहीं आया। आ रहे हैं सब कुछ ना कुछ सारे में मरिंडा की बात पी रही हूँ, मरिंडा ठंडा ठंडा पीने को मजबूर थी मेरे को, कभी मन कुछ खाने को सना की प्लेट में से मैंने ढोसा थोड़ा सा खाया अपने सना। और खाना सना और खाना बस कल स्कूल जाना कल खांसी है ना। खाने के बाद हम फिर गाड़ी में बैठ के अब हम आगे चले, यहाँ पे आया चंडी माता का मंदिर। जय चंडी माता। हम पहुंचे हैं चंडी माता के मंदिर के पास, जाना दरबार में तो एंट्री है। ये देखो यहाँ से गेट है माता का, यहाँ से हम आगे निकल रहे, टीलीगढ़ के रास्ता यहाँ से ही जाता है। देखिए पहाड़ ना, खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। हम पहुँच गए टीलीगढ़, ये देखिए कितना सुंदर खूबसूरत हमारे ये तीर्थ स्थान भी यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, जे एंड के टूरिज्म वेलकम टीलीगढ़ रोज गार्डन। ये है ये गेट, टीलीगढ़ का मेन गेट। अब यहाँ से अंदर एंट्री होगी, मैंने सोचा आज आपको अच्छी तरह दिखा देते यहाँ से। और अभी बादल भी हैं, थोड़ी ठंडी हवा भी चली हुई है। देखिए ये रोड टीलीगढ़ के अंदर की, सना खुश हो गई, दो दिन इसको फीवर था, चढ़ी। ये देखिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। अब हम सब अंदर को जाते हुए आपको भी दिखाएंगे टीलीगढ़, तो आप भी ज़रूर आए। हमने सोचा था हम सिर्फ गाड़ी में ही बैठेंगे, लेकिन आते आते हम यहाँ पे पहुँच गए, टीलीगढ़ पहुँच गए। देखिए ज़रा आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कैसा लग रहा है आपको। गर्मियों के लिए तो ये हमारा भद्रकाशी बहुत ही अच्छा है, सर्दियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इंतज़ाम होता रहता है यहाँ पर, आग जलाने का, जो अंगीठी बुखारी जिसे हम बोलते हैं वो सब होता है यहाँ पे। आप देख रहे होंगे हमारा भद्रवाह, बोलते हैं ना स्वर्ग से सुंदर, ये हमारा भद्रवाह है। ये देखिए कितना खूबसूरत आशापति,
कि ये देखिए बिल्कुल सामने यहाँ से ये बर्फ दिख रही है, पूरा ढका हुआ है। अगली बार, अब इस बार थोड़ा लेट हो गए ना, अगले संडे को हम चलेंगे आपको गुल्ली डंडा जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए ये रोज़ गार्डन, यहाँ पे ऐसा जैसा व्यू है यहाँ पे। ये देखिए ये सीढ़ी यहाँ की, और सना फोटो खींचते हुए, सना को फ्यूवर नहीं चढ़ना चाहिए तो बस। ये देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, अभी हम कहाँ खड़े हैं जहाँ पे पूरा भद्रवाह दिख रहा है आपको, पूरा भद्रकाशी दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए कितना खूबसूरत सारा इलाका, कोई ड्रोन की ज़रूरत नहीं, कोई हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं, यहाँ से खड़े होके भी सारी वीडियो ले रही हूँ। देखो वीडियो शूट करना भी कितना अच्छा है यहाँ पे। आसमान में भी बादल, थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। देखो पार्क, खूबसूरत पार्क। मैंने सोचा आज आपको भी भद्रवाह का हम दिखाते हैं, पिकनिक स्पॉट लाते हैं, जरा कैसा कैसा खूबसूरत है। ये देखो जब पिछली बार हम आए थे तब यहाँ पे काम लगा हुआ था, आज अब ये सब तैयार हो गया है। इस गर्मियों के लिए यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। सना बोल रही शॉर्ट्स बनाएंगे, मामा आ जाओ आ जाओ। आपको अच्छा लग रहा होगा देख के ही, कितना खूबसूरत लग रहा होगा, तो सोचो अगर आप इस जगह पे, ऐसी जगह पे घूमने के लिए आओगे तो कैसा लगेगा। सामने आपके बर्फ है, इतनी बर्फ, फूल इतने हरा भरा, हमारा भद्रकाशी बोलते स्वर्ग से सुंदर हमारा भद्रकाशी है। ये देखिए कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप भद्रकाशी में ही आके अपने मन को शांत कर सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो। तो अभी हम वापस मुड़ रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए सन्ना और अमृत इतने खुश हुए हैं, चिनिया नहीं आई, अब फ़ोन करके बोल रही थी आपने बोला था हमने गाड़ी में घूमना है, तो आज आप कैसे चक्कर लगा रहे हो। हमने सोचा, हमने कहा हमें खुद नहीं पता था, तो हमने घूमने के लिए उतरेंगे नीचे। तो चलो अब नेक्स्ट व्लॉग में सब आएंगे तो फिर मिलेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।